पाली डीएम से बात हुई, पाली एडीएम से बात हुई, और वहां उन्होंने जो बातें मुझे बताई, जो बातें कही, वो बिल्कुल सिरे चढ़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। उनके सचिव ने फोन रिसीव किया था और सचिव ने हमें कहा कि सीएम साहब छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। अब राजस्थान में जनता मर रही है, मरती रहे, दलितों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय आपको पूरा दिया, 26 तारीख से, 26 मार्च से भीम सैनिकों का समय शुरू हो चुका है। 26 मार्च के बाद हमारी रणनीति पर पूरी तरीके से विचार हो चुका है, हम तैयार हैं। निर्णायक फैसला आना बाकी है। अब निर्णायक फैसला आएगा, आधी रात को भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। घोषणा कर दी जाएगी, महा आंदोलन होगा, सरकार के पसीने छुड़ा देंगे, बता रहे हैं। और अशोक गहलोत हमारी इस वीडियो को सुने ना तो कान खोल करके सुन लीजिएगा। गोले तो गहलोत साहब भ्रम में ना रहे, अकड़ में ना रहे, अकड़ तोड़ दी जाएगी, भ्रम तोड़ दिया जाएगा। पीठ नहीं दिखाते, मनुवादियों को कह रहे हैं, जातिवादियों को कह रहे हैं, इन गुंडों को कह रहे हैं, इन सामंतियों को हम कह रहे हैं, हम पीठ नहीं दिखाते। जो तांडव काटना है ना काट लो, जितना शोषण करना है कर लो, अपनी पे आए ना नक्शा बदल देंगे, बता रहे हैं, अपनी पे आए नक्शा बदल देंगे तुम्हारा। और अब हम इन मनुवादियों को खुल के कह रहे हैं, बेटा खेल लो 30 मार्च तक जो तुम्हें खेलना है, उसके बाद में 2022 अप्रैल हमारी है, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, बच के रहिएगा। राजस्थान के पाली में एक भयंकर तांडव हुआ। किसका तांडव हुआ? बुजदिलों का। हमारी कौम में तो शेर पैदा हुए हैं, हमारी कौम ने शेरों को जन्म दिया है। बात कौम की नहीं, बात इंसानियत की है, बात धर्म की नहीं, बात मजहब की नहीं, बात जाति की नहीं, बात गुलामी की है। क्या राजस्थान आजाद है? क्या राजस्थान के बहुजन समाज के लोग आजाद हैं? क्या महिलाएं आजाद हैं? सरेआम मारा जाता है, जिनको दलित बता करके और खुद को वो दबंग बताते हैं, अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, ये कहां की बहादुरी है भाई, ये कहां की वीरता है? जितेंद्र मेघवाल हमारा भाई, हमारा शेर आज हमारे बीच में नहीं है। उस शेर ने राजस्थान में लाखों शेर पैदा कर दिए हैं। और ये वीरों की जन्मभूमि जो है ना, ये शेरों की जन्मभूमि राजस्थान, जिसमें कुछ बुजदिल भी पैदा हो गए हैं, जो पीछे से वार करते हैं, जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल की धोखे से हत्या कर दी, जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल को मार डाला क्योंकि वो मूछें रखता था, क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहनता था, क्योंकि वो अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता था, जीता था, कमाता था, अपने परिवार का गुजारा करता था। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब ये कपड़े पहनने का और ये मूछों का अधिकार दिया ना संविधान में, इसको कुचलने के लिए, हमारी कौम को दबाने के लिए, मेघवालों को दबाने के लिए ये बड़ा षड्यंत्र रचा गया, और धोखे से वार करके उस शेर की हत्या कर दी। बात करेंगे हम, 22 तारीख को पहुंचे थे पाली, आप सभी ने साथ दिया, धन्यवाद नहीं करेंगे, शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, दिल से उम्मीद करेंगे, ये एकता आने वाले समय में भी बना करके रखिएगा, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने भीम सैनिकों पर पूरा भरोसा है। राजस्थान का तख्त ताज बदल दिया जाएगा। राजस्थान में जो ये फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं ना, दलित को फुटबॉल बना करके वसुंधरा राजे, बीजेपी, कांग्रेस, अशोक गहलोत जो फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं, एक किक मारती है वसुंधरा राजे यानी कि बीजेपी, एक किक मारते हैं अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस, भाई पिट तो फुटबॉल रही है ना, दलित को फुटबॉल बना करके खेला जा रहा है, कभी इस पाले में तो कभी इस पाले में। अब वो बदलाव करेंगे और ये करना पड़ेगा, ये विद्रोह है तो विद्रोह सही, ये क्रांति है तो क्रांति सही, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें संविधान में
मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, यह हमारा अधिकार है, न्याय मांगने से नहीं मिलते, छीने जाते हैं। और वही काम हम अब कर रहे हैं, क्योंकि जितेंद्र मेघवाल के परिवार को मैंने दिल से समझा, दिल से जाना, वो न्याय चाहते हैं, वो सरेंडर करना नहीं चाहते, वो झुकना नहीं चाहते, वो बिकना नहीं चाहते, वो न्याय चाहते हैं। 22 तारीख को हम पहुंचे, सरकार ने अपने नुमाइंदे लगा दिए, जहां हम रुके थे वहां पर जोधपुर के एसपी ग्रामीण पहुंच गए, वहां पर एएसपी पहुंच गए, प्रशासनिक अमला जमला वहां पर पहुंच गया, हमें रोकने की कोशिश की गई, हमें दबाने की कोशिश की गई कि आप वहां मत जाइए, हमें गुमराह करने की कोशिश की गई। तब भी हम सांवरिया होटल पहुंचे, पाली पहुंचे, और हम अपने परिवार के साथ में मिले, बैठे, हमने उनका दुख बांटा, हमने उनका दर्द समझा, बहुत कुछ जाना, जो नहीं जानना चाहिए था ना वो भी जाना, जो नहीं जानना चाहिए था वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, जो ना जानने के काबिल है वो पता है क्या है, इस सरकार की तानाशाही। आप जानना नहीं चाहते ना, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं भी नहीं जानना चाहता, क्यों बोलूं मैं, कब तक बोलूं मैं, किसके लिए बोलूं मैं, कोई सुनेगा, कोई बोलेगा, कोई आवाज के साथ आवाज मिलाएगा, इसलिए मैं नहीं जानना चाहता था, लेकिन फिर भी जाना। क्या आप नहीं जानना चाहते, नहीं जानना चाहते तो मत जानिए, सरकार की तानाशाही, मारा जा रहा है हमें, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है हमें, बात हुई हमारी, लगातार हमारी बात हुई और बात होती भी रही है, हमारी बातचीत हुई कल डीएम पाली से, डीएम पाली कहते हैं हमने अपने लेवल की सारी मांगे मान ली हैं, डीएम पाली कहते हैं जो आपका मेमोरेंडम था भीमसेना के लेटर हेड पे हमने लिख करके दिया था वहां पर, और हमने अपलोड भी किया सोशल मीडिया पे, देख लीजिएगा, हमारी 10 सूत्रीय मांगे जो थी, वो मांग नहीं, हक हकूक मांग पत्र है वो, हमने दिया। लेकिन कल की डेट में डीएम साहब ये कहते हैं, मेरी एसपी जोधपुर से भी बात हुई, एसपी पाली से भी बात हुई, एसपी डीएम से बात हुई, एडीएम से बात हुई, सॉरी पाली डीएम से बात हुई, पाली एडीएम से बात हुई, और वहां उन्होंने जो बातें मुझे बताई, जो बातें कही, वो बिल्कुल सिरे चढ़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से कर चुके हैं, अब सरकार करेगी। ठीक है भाई डीएम साहब, ठीक है एडीएम साहब, ठीक है एसपी साहब, एक काम करते हैं, अब सरकार से ही बोल लेते हैं, अब ये सरकार के सामने मांग पत्र है हमारा, ये मांग पत्र नहीं है, अधिकार पत्र है, ये मांग पत्र नहीं है, ये हक हकूक का पत्र है, हमें न्याय चाहिए, कौन देगा, सरकार में तो गहलोत साहब आप बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं आप, आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या। इसके बाद में हमने बात करने की कोशिश की सीएम से, उनके सचिव ने फोन रिसीव किया था और सचिव ने हमें कहा कि सीएम साहब छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, अब राजस्थान में जनता मर रही है, मरती रहे, दलितों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई चिंता है ही नहीं, राजस्थान के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का दमन हो रहा है, उन्हें कोई चिंता है ही नहीं बिल्कुल भी, राजशाही घराने के है ना, इसलिए उन्हें चिंता नहीं है, हम मिट्टी में पैदा हुए हैं ना, आप भी मिट्टी में पैदा हुए हैं, आपको मिट्टी की सौगंध है, राजस्थान के निवासी हो ना तो राजस्थान की मिट्टी की सौगंध है, भारत के निवासी तो सभी हैं, क्यों ना आपको भारत की मिट्टी की सौगंध है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, जुल्म सहने वाला जो है ना, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार होता है, बोला था हमने, कह दिया था हमने, हमारी चेतावनी रेखा उस मांग पत्र में स्पष्ट लिखी हुई है कि 25 तारीख तक आप हमारी सभी मांगे अगर नहीं मानते हैं तो हम महा आंदोलन की तरफ कूच करेंगे। यह वो वक्त आ गया है कि अब हमें महा आंदोलन की तरफ कूच करना होगा। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने सभी साथियों से बातचीत की है और भी साथियों से बातचीत हमारी जारी है, लगातार की जा रही है, सामाजिक साथियों से भी,
भीमसेना के साथियों से भी, संगठनों से, तमाम संस्थाओं से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। प्रशासनिक लेवल पर भी हमारी बातचीत जारी है, सरकार के लेवल पर हमारी बातचीत जारी है। सचिव ने तो पल्ला झाड़ लिया सीएमओ से कि गहलोत साहब नहीं है, ठीक है भाई हम बुला लेंगे, कॉलर पकड़ के घसीट लाएंगे। हालांकि हमने सुना है वापस आ गए, वापस आ गए, जोधपुर में प्रोग्राम में शामिल हुए थे, सुना है हमने। लेकिन कोई बात नहीं, वही आपका राजस्थान है और वही हमारा भी राजस्थान है, रणभूमि है हमारी, युद्ध भूमि है हमारी, मत भूलिएगा। समय आपको पूरा दिया, 26 तारीख से, 26 मार्च से भीम सैनिकों का समय शुरू हो चुका है। 26 मार्च के बाद हमारी रणनीति पर पूरी तरीके से विचार हो चुका है, हम तैयार हैं। निर्णायक फैसला आना बाकी है, अब निर्णायक फैसला आएगा, आधी रात को भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। ध्यान रहे, एक संदेश आपको दे रहा हूं और प्रॉपर दे रहा हूं, संदेश आपको दे रहा हूं, प्रॉपरली दे रहा हूं। सभी साथियों से हमारा वार्तालाप लगातार जारी है, राजस्थान में बड़ा बदलाव करेंगे और यह बड़ा बदलाव करने के लिए आप सभी को अपनी मुख्य भूमिका में आना होगा, क्योंकि हम निर्णायक भूमिका में हैं। आप बहुत ही जल्दी घोषणा कर दी जाएगी, महा आंदोलन होगा, सरकार के पसीने छुड़ा देंगे, बता रहे हैं। और अशोक गहलोत हमारी इस वीडियो को सुने ना तो कान खोल करके सुन लीजिएगा, बोले तो गहलोत साहब भ्रम में ना रहे, अकड़ में ना रहे, अकड़ तोड़ दी जाएगी, भ्रम तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम अपने बहुजन समाज के लोगों को मरते हुए पिटते हुए अब नहीं देख सकते। अब तक का समय मनुवादियों का था, अब तक का समय मनुवादियों का था। 22 तारीख को हम पहुंचे राजस्थान, लगातार पहले भी जाते रहे, मेरा पुराना बहुत अच्छा रिश्ता राजस्थान के साथ रहा है, नजदीक भी हूं, हरियाणा में हूं, जयपुर मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। जो गुलाबी नगरी जयपुर है ना, गुलाबी से नीली बना देंगे। अब तक का समय मनुवादियों का था, 22 को हम पहुंचे, हमने 25 तारीख तक का समय दे दिया, 26 से भीम सैनिकों का समय शुरू हुआ, 30 मार्च तक का समय इन मनुवादियों का होगा, क्योंकि 25 तक का समय सरकार का था, इस तानाशाह सरकार का था। अब 30 मार्च तक का समय जो है इन मनुवादियों का होगा। हम बार बार मौका दे रहे हैं, ध्यान रखिए, पीठ नहीं दिखाते, मनुवादियों को कह रहे हैं, जातिवादियों को कह रहे हैं, इन गुंडों को कह रहे हैं, इन सामंतियों को हम कह रहे हैं, हम पीठ नहीं दिखाते। जो तांडव काटना है ना काट लो, जितना शोषण करना है कर लो, अपनी पे आए ना नक्शा बदल देंगे, बता रहे हैं, अपनी पे आए नक्शा बदल देंगे, तुम्हारा भूल जाओगे तुम कि क्या तुम्हारा इतिहास था, और भूल जाओगे तुम क्या तुम्हारी आने वाली पुस्तें होंगी। याद रखिएगा, चेतावनी पत्र हमने सरकार को भी जारी कर दिया, चेतावनी रेखा खींच दी, और अब हम इन मनुवादियों को खुल के कह रहे हैं, बेटा खेल लो 30 मार्च तक जो तुम्हें खेलना है, उसके बाद में 2022 अप्रैल हमारी है, उसके बाद 2023 हमारा है, और आने वाला पूरा भविष्य राजस्थान का होगा, बहुजन समाज का होगा, हमारा होगा, आपका होगा। लेकिन कभी भी किसी भी समय आधी रात को नजर बना के रखिएगा, हमारे ट्विटर अकाउंट से भी, हमारे फेसबुक पेज से भी, कभी भी घोषणा की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त हम तलवार की धार पर चल रहे हैं, इस वक्त हम मनुवादियों से जूझ रहे हैं, उनके तमाम हथकंडों को हम फेल कर रहे हैं, हम देश का नाबूद कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें रची जा रही है, हमें दबाने की कोशिशें की जा रही है, राजस्थान की सरकार हमें लपेटने की कोशिश कर रही है। बोलना नहीं गहलोत साहब, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, ये बड़ी चेतावनी बता रहे हैं आपको गहलोत साहब, कांग्रेस की सरकार, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, बच के रहिएगा। साथ ही जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के साथी हैं, जितने भी हमारे भीम सैनिक हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ी बात है, हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। वो साजिशें पता है क्या है, अभी बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती आ रही है, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर ये मनुवादी
दंगा करने की साजिश रच रहे हैं, खुफिया इनपुट है हमारे पास जिसमें सरकार उनका सहयोग कर रही है। हमारे पास खुफिया इनपुट है पूरे अंबेडकर जयंती पर अप्रैल के महीने में या फिर हमारे किसी भी आंदोलन में बहुत बड़ा दंगा करने की साजिशें रची जा रही हैं। हम शांति प्रिय लोग बेशक से हो सकते हैं, लेकिन कोई एक थप्पड़ मारेगा तो हम खामोश भी नहीं बैठ सकते। इसी हमारे गर्म खून का फायदा यह सरकार उठा रही है, इसी हमारे गर्म खून का फायदा यह मनुवादी उठा रहे हैं। बहुत बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। अप्रैल का महीना आने वाला है और बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के आसपास या जयंती के दौरान यह मनुवादी बहुत बड़ी साजिश हमारे खिलाफ रच सकते हैं। यह बड़ा खुफिया इनपुट है जो हम आपको बता रहे हैं। सरकार इसमें शामिल है, हमारे आंदोलनों में दंगे करने की साजिशें रची जा सकती हैं, हमारे आंदोलनों को खराब किया जा सकता है। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को बदनाम करने की कुछ असामाजिक तत्व साजिश रच रहे हैं। साम दाम दंड भेद से ये मनुवादी खेल रहे हैं, इनके नेता खेल रहे हैं, ये सरकार खेल रही है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें समय लग रहा है आंदोलन की, महाआंदोलन की तारीख निर्धारित करने में हमें समय लग रहा है, लेकिन हम निर्णायक भूमिका में हैं। कभी भी हो सकता है, तलवार की धार पर चल रहे हैं क्योंकि राजस्थान हमारा है, अपना है। राजस्थान की धरती को हम सलाम करते हैं, खून से सींचना नहीं चाहते हैं। राजस्थान के भीम सैनिकों को हम सिर से सिर उठा करके गर्व से उनको जीने का संकल्प देना चाहते हैं, उनको मरने नहीं देना चाहते। बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके, बहुत मीटिंगें करके, एक मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही है तब हम लगातार अपने साथियों के साथ संपर्क में हैं, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन कभी भी आपकी स्क्रीन पर वो डेट आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, कभी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। बस ट्विटर अकाउंट @भीमसेनाचीफ आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर @भीमसेनाचीफ आप फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर @भीमसेनाचीफ नवाब सतपाल तंवर आप फॉलो करके लाइक करके रखिए। कभी भी आपकी स्क्रीन पर बड़े महाआंदोलन की तारीख का निर्धारण होगा, क्योंकि हम, सारी बातें आपके साथ कर ली मैंने, क्योंकि हम अब निर्णायक भूमिका में हैं। बस एक उम्मीद करेंगे आपसे, लड़ रहे हैं ना हम लोग, झुक नहीं रहे ना, सीना तान कर लड़ रहे हैं। वो 56 इंच का सीना बताने वाले नरेंद्र मोदी जो है ना, जो गहलोत जी को पूरी पावर दिए हुए हैं, अगर नरेंद्र मोदी की हिम्मत होती तो राष्ट्रपति का शासन लगवा देते ना वहां पर, अच्छा रहता। प्रधानमंत्री पावर है, लेकिन कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है, गंगाधर ही शक्तिमान, याद रखना। इसलिए ये लोग मिल करके दलितों को, महिलाओं को फुटबॉल बना करके खेल रहे हैं। आपके स्क्रीन पर कभी भी तारीख का निर्धारण हो सकता है। हम लोग लगातार दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सभी साथियों के संपर्क में है, सभी संगठनों के, सभी संस्थाओं के संपर्क में है। और भीमसेना के पदाधिकारी राजस्थान में, भीमसेना के पूरे देश भर की बात करें तो पूरे देश भर में राजस्थान में एकमात्र भीमसेना की सबसे बड़ी टीम में है। सारे जिलाध्यक्ष संपर्क में है, प्रदेश की टीम, प्रदेश की कार्यकारिणी संपर्क में है और लगातार हम लोग वार्तालाप जारी रखे हुए हैं। बस बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, बनाए रखिएगा नजरें। जितने साथी जुड़े भाई, सहयोग किया आप सभी ने, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग जो है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का अब समय आ गया है। राजस्थान में बदलाव करेंगे क्योंकि उनके चेहरे से उम्मीदों की एक झलक जो है ना वो दिखाई देती है। जितने साथी जुड़े भाई सभी को क्रांतिकारी जय भीम, हम अभिवादन करते हैं और आपका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बस इस मुहिम में शामिल रहिएगा क्योंकि अगर आप टूट गए ना तो बिखर जाओगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।